में खुश आमदीद। आज हमने बनाए हैं चिकन चिल्ली विद फ्राइड राइस। तो चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। यहाँ हमने बोनलेस चिकन के अंदर 2 टेबल स्पून चिली हॉट सॉस ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। इसके बाद 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, नमक, हसबे जायका, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर जो मेरे घर का बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। ये गर्मियों में तैयार होता है तो थोड़ी गर्मी आ जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये बनाना जरूर सिखाऊंगी। ये सब इसको चिकन में ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया हमने। अब हम 1/2 एग जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। बाकी 1/2 एग हम फ्राइड राइस में यूज कर लेंगे, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको मिक्स कर लें और फिर जो है इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। जितनी देर आप रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। यहाँ हमें जो है 2 घंटे हो गए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इन्हें डीप फ्राई करना है। चिकन हमने अपनी डीप फ्राई कर ली है, ये देखें हमारी चिकन फ्राई हो गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन को डिश आउट करने के बाद इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 डोंगी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक चॉप करके वो हम ऐड कर देंगे। उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब वो हल्की सी फ्राई हो जाए तो उसके अंदर चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। 1 चिकन क्यूब यहां मैं ऐड कर रही हूं। देखें इस तरीके से आप जो है चिकन क्यूब को ऐड कर दें। इसको हल्का सा फ्राई कर लें। इसके बाद हमने काली मिर्च और नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, नमक हसबे जायका, 1/2 टीस्पून व्हाइट मिर्च वो हमने ऐड कर दिए। इसको फ्राई कर लें। इसके बाद हम जो चिकन हमने फ्राई करके निकाल ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह इसको अच्छी तरीके से भून लें। जब इसके अंदर मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए तो इसके अंदर ग्रीन चिल्ली ये ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली को आप जो है इस तरीके से कटिंग कीजिएगा जिस तरह मैंने किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसका जो फ्लेवर है चिलीज का वो चिकन के अंदर आ जाए। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें वेज ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च और प्याज, उनको हमने जो है क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है। आप भी क्यूब्स में ही कटिंग कीजिएगा। यहां हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अगर आपको इसी तरीके से खानी है, इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी, तो आप वाटर ऐड नहीं करें, लेकिन मैं जो है थोड़ी ग्रेवी रखती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ 1/2 कप वाटर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वाटर को स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये पसंद है इस वजह से मैंने वाटर ऐड किया है। अब हम ग्रीन शिमला मिर्च और जो है प्याज जो हमने चॉप करके साइड में कटिंग करके रख ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को वाटर में जो है मिक्स करेंगे, डिजोल्व करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल ये वाली स्पून मैंने यूज की है। बस इसको जो है कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है, उसके बाद इसको बॉईल होने देना है कि 2 मिनट में ये बॉईल हो जाए। जब बॉइलिंग इसमें आ जाए बॉइलिंग पॉइंट पे, इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए आप रख दें और आपकी जो है चिकन चिल्ली ग्रेवी रेडी हो गई है। देखें मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये हमारी रेडी हो गई।
अब हम बना लेते हैं फ्राइड राइस। उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी गाजर, जो मैंने इस तरीके से चॉप कर ली है, एक शिमला मिर्च आदि, और 4 अदद ग्रीन चिली, बंद गोभी आदि बंद गोभी ली है मैंने, 4 अदद हरे पत्ते की प्याज, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, आधा अंडा जो हमारा पहले बच गया था वो, और एक और इसमें ऐड करके हमने जर्दे का रंग मिक्स कर लिया है, और काली मिर्च और नमक हसबे ज़रूरत, और बटर कोई सा भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमने ये सारा सामान ले लिया है। अब हम ऑयल के अंदर बटर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून फुल बटर हम इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल अभी हमने इस वजह से कम रखा है क्योंकि लास्ट में भी हम जो है ऑयल ऐड करेंगे, उससे आपके जो चावल हैं वो बहुत खिले खिले आते हैं। बटर ऐड करने के बाद हमने इस पे जो जर्दे का रंग मिक्स करके अंडा रख लिया था साइड में, उसे जो है हम इसको ऐड करके फुल फ्लेम पे इस तरीके से मिक्स कीजिएगा कि वो दाना दाना बन जाए, और वो जो है इस तरह आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो बिल्कुल। देखें इस तरह आपको बस स्पून को हिलाते रहना है ताकि जो है एग इस तरह इस फॉर्म में आ जाए। हमने फ्लेम को फुल रखा हुआ है इस वक्त। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी जो वेजेस हमने काट के रखी थी, कटिंग करके रख ली थी, सिवाय हरे पत्ते की प्याज के हम बंद गोभी, ग्रीन चिली, कैरेट और जो है ये सब हम शिमला मिर्च, ये हम ऐड कर देंगे। हरे पत्ते की प्याज हम इसलिए ऐड नहीं करते कि वो बहुत जल्दी जो है नरम हो जाती है, तो उसको हम लास्ट के लिए रखेंगे। जब हम चावलों की तह लगाते हैं तब हम उसको ऐड करेंगे। आप ये सारी वेजेस डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमारी देखें वेजेस जो है मिक्स कर ली हमने इस तरह। इसके बाद हमने काली मिर्च और नमक वो ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले जो हैं वो वेजेस में मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें चावल जो हमने बॉईल करके अलग रख लिए थे, सिंपल हमने इसको जो है नमक में बॉईल किया, और फिर हम जो है इसको तह लगा रहे हैं। इस तरह हमने चावल बॉईल कर लिए और इसको वेज के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर चावल मिक्स कर लिए हैं। अब लास्ट में जो हमने हरे पत्ते की प्याज बचा के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऑयल जो मैंने आपसे कहा था कि इसका ऑयल लास्ट में भी हम ऐड करेंगे वो इसमें ऐड कर दें। इससे जो है आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और बहुत उसकी जो रंगत होती है वो बहुत अच्छी आती है, तो इसको लास्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद फुल फ्लेम पे भाप बनाएं, पहले स्टीम इसमें बना लें, और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। अभी मैंने 1 मिनट के लिए इसका फ्लेम फुल किया है, जैसे ही इसके अंदर स्टीम होगी वैसे हम दम पे रख देंगे। देखिए हमारे चावल रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।